बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं यखनी पुलाव। ये बहुत मज़ेदार पुलाव है। इसके मैं जो यखनी बना रही हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स पहले दिखा रही हूँ। मैंने ये चिकन लिया है, ये तकरीबन 3 पाव के करीब है, और हमारे 1 किलो चावल हैं पक्की बासमती। इसमें मैंने 1 लहसुन का ये जवन लिया है और ये 1.5 इंच की अदरक ली है, और ये मैंने इसमें तेज़पत्ता लिया है, 4 से 5 तेज़पत्ता है, 1 टेबलस्पून भर के सौंफ है, 2 टेबलस्पून भर के धनिया साबुत धनिया है, और 2 टेबलस्पून ही नमक है, और पानी है 4 गिलास। व्यूअर्स, मैं इसमें 4 गिलास पानी डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक मैं इसमें इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ ताकि जो चिकन है ये नमकीन हो जाए, और 2 टेबलस्पून मैं धनिया डाल रही हूँ। इसको मैंने धो साफ करके धोया है। 4 से 5 तेज पत्ता है, ये लहसुन है जो मैंने अच्छी तरह यहाँ से इसको साफ किया है, यहाँ मिट्टी होती है, और अदरक डाला है। ये सौंफ है जो मैंने धोकर डाली है। जब चिकन गल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं इसमें 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। अब हम चावल बना रहे हैं। यखनी हमारी बन चुकी है, इसमें मैंने 1 कप डाला है। और थोड़ा और डाला है, आधे से कम। मैंने 1.5 प्याज ली है दरमियाने साइज की। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। इसका प्याज का कलर मैं डार्क नहीं रखूंगी, गोल्डन सा रखूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, लाइट गोल्डन प्याज हो चुकी है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल रही हूँ। ये सब्ज़ मिर्चें हैं और लहसुन अदरक है। मैंने तकरीबन 20 के करीब हरी मिर्चें ली हैं, और 1 पूरा लहसुन और 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक, उनको पीस लिया है, और अब मैं चावल में इनको मिक्स कर रही हूँ, और इसका ढक्कन जो है बंद कर दूंगी ताकि लहसुन अदरक की खुशबू और हरी मिर्च की खुशबू अंदर ही रहे। ये देखें बस, इसका ये थोड़ा भुन गया है, फिर कलर में भी फर्क आ गया है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून नमक लिया है। ये गरम मसाला लिया है इसमें, दालचीनी, लौंग, सारा पूरा गरम मसाला है, जीरा नहीं है। ये अब इसमें डाल रही हूँ, थोड़ी इसकी भुनाई करूँगी। और इसमें टमाटर, 2 बड़े साइज के टमाटर ये डालूंगी, इसकी थोड़ी भुनाई करूंगी। ये देखें व्यूअर, यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने उसमें प्याज उस वक्त नहीं दिखाना भूल गई थी, मैंने दरमियाने साइज की प्याज भी इसमें डाली थी यखनी में। अब मैं इसकी जो हमने मसाला तैयार किया है उसमें मैं सिर्फ बोटियाँ डालूंगी। अभी मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, मसाला भून गया है,
टमाटर भी इसमें घुल गए हैं। मैंने इसमें तकरीबन 16 से 17 काली मिर्च डाली थी गरम मसाले में, 3 बड़ी दालचीनी डाली थी, बड़ी इलायची 3 डाली थी। गरम मसाला आप देख रहे हैं। अब मैं इसमें चिकन डाल देंगे। जब चिकन इसमें डाल दिया, चिकन डाल दिया मैंने, इसमें आधी प्याली दही डाल दी हूँ। इसकी मैं भुनाई करूँगी। ये देखें व्यूअर, चिकन की भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें यखनी डाल रही हूँ। ज़्यादा डाला था क्योंकि हमने मसाले में धनिया नहीं डाला, हमने यखनी में ही डाला था। अब एक बॉईल आ जाएगा तो मैं इसमें चावल डालूंगी जो मैंने 1 किलो लिए हैं, भिगो के रखे हुए हैं, धोकर अच्छी तरह भिगो दिए हैं और इनको तकरीबन 2 से 2.5 घंटे ज़रूर भिगोना होता है। इससे बहुत अच्छा इसका जायका और शक्ल आती है। एक बॉईल के बाद मैं इसमें चावल डालूँगी। ये देखें व्यूअर, बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। ये 1 किलो चावल है। इनको अभी थोड़ा पकाएंगे। पानी खुश्क हो गया, अब हम इसे दम पे रख रहे हैं। ये आपकी चॉइस है, आप सिंपल रखें या अखबार रख कर करें। मैं अखबार रख कर रही हूँ। इसको मैं 15 मिनट के लिए दम पे रख रही हूँ। ये देखें व्यूअर्स, चावल दम हो चुके हैं। मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। यखनी पुलाव तैयार हो चुकी है चिकन की। इसके रायते के साथ और चटनी के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।